एक ड्राइवर समाज को लोग किस एंगल से देखते हैं और क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चाहे आप प्राइवेट राइड किसी के लेके जा रहे हो या आप किसी का MMT का। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार दोस्तों। आज के नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ, एक आप लोग, मेरा निजी विचार है, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं हूँ जयपुर में, ठीक है, चलता हूँ सभी जगह और रूटों पे, नैनीताल, उत्तराखंड के, यूपी के, आज मैं जयपुर के रूट पे और राजस्थान के। तो जयपुर के रूट पे ऐसा नहीं है कि जयपुर के रूट पे ही ऐसी नहीं है, हो सकता है कि मैंने जहाँ जहाँ भी गया वहाँ के वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज यहाँ के बनाना जरूरी है क्योंकि एक ड्राइवर समाज को लोग किस एंगल से देखते हैं और क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो भी कस्टमर है, चाहे ओला उबर का हो, चाहे आप प्राइवेट राइड किसी के लेके जा रहे हो या आप किसी का MMT का हो, उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और ड्राइवर समाज से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज मैं बताऊंगा आज आप लोग से, आप लोग बने रहना ब्लॉग में। और होटल मालिक से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, आपको पता होगा ड्राइवर को कि हर होटल में ड्राइवर की सुविधा होती है ना, हर होटल में होती है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये ड्राइवर के लिए एक, वो होटल के लिए एक धब्बा है, ड्राइवर के लिए परेशानी के नाम पे। अगर देखिए वन वे ट्रिप में तो कोई दिक्कत नहीं होती, ड्रॉप किया, दूसरा पिकअप किया, चला जाता बंदा अपने स्टेट में, ठीक है भाई। ड्राइवर को चाहिए क्या, वॉशरूम चाहिए, एक छोटा सा रूम दे दो सोने के लिए, कैसा भी रूम होता है आदमी एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। मैं जिस होटल में हूं वो होटल का नाम है नड्डा, द नड्डा ऐसा करके है, मालवीय नगर जयपुर में है, ठीक है। ना तो यहाँ पे वॉशरूम है, ना बेडरूम है, ना खाने का कोई हिसाब किताब है, और होटलों पे सभी पे होता है। तो मेरा मन था इसलिए मैंने वीडियो बनाई, मैं नेगेटिविटी नहीं बता रहा हूं, बस आह्वान करता हूँ सभी होटल मालिकों से कि ड्राइवर का हिसाब किताब आप लोग बनाएं। इससे क्या होता है कि आप ही का कद बढ़ जाता है लोगों के नज़र में, और उससे ये होता है कि आपकी सर्विस अच्छी होती है और आप तक चार कस्टमर और आ जाते हैं, ठीक है। मैंने पूछा कि भैया ड्राइवर की सुविधा है, उन्होंने साफ मना कर दिया, गलता नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कस्टमर्स इस बात को सोचे समझे कि भाई अगर मैं किसी ड्राइवर के साथ लेके जा रहा हूँ तो कहाँ रहेगा, गाड़ी में तो आदमी सो लेता है, वॉशरूम कहाँ जाएगा, हर चीज़ के लिए चेचे पेपे होती है, एक्स्ट्रा किलोमीटर चले गई तो भी उसके लिए चेचे पेपे होती है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, हाथ जोड़ के विनती है मेरा कस्टमर से भी और ड्राइवर समाज से भी। हाँ ऐसा नहीं है, बहुत जगह ड्राइवर समाज को रूम दिया जाता है, देते हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर लोग भी गलत कर देते हैं, वहाँ दारू पी के, सिगरेट पी के गंद फैला देते हैं, इस वजह से उल्टी कर देते हैं, तो लोग मना कर देते हैं, नहीं देते। उस वजह से लोगों ने धीरे 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 चीज़ें खत्म करता जा रहा है। तो देखिए इससे होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे ड्राइवर समाज के लिए सबसे बड़ा धब्बा है। आप इंजॉय कीजिए अपना खा पी के, जो भी है, गाड़ी में सो रहे गाड़ी में सो जाइए, बवाल नहीं करना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है कि आपकी छवि खराब हो जाती है उस कस्टमर की नज़र में और होटल मालिक की नज़र में, होटल रिसेप्शन जो भी ओनर होता है, मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उनके नज़र में आपका छवि खराब हो जाती है, फिर आप को ना तो वो कस्टमर द्वारा बुक करेगा और ना तो वो ड्राइवर बुक, सॉरी होटल मालिक आपको द्वारा रेफरेंस देगा आने के लिए, ठीक है। बहुत सारे इंटरनल चीज़ें ड्राइवर समाज के लिए, ड्राइवर भाइयों को पता होगा कि मैं क्या इंटरनल चीज़ की बातें बोला हूँ, उनको सबको पता है इंटरनल चीज़ में क्या होता है, ठीक है।
कोई कस्टमर नहीं, मतलब मालिक नहीं चाहता कि मेरा कस्टमर खराब हो, और ड्राइवर समाज को भी ये सोचना चाहिए कि हमारा कस्टमर खराब ना हो, ठीक है। तो ये चीज पॉइंट है जो ड्राइवर समाज में नेगेटिविटी है थोड़ा सा, और कस्टमर के लिए भी नेगेटिविटी ये है कि भाई आप ड्राइवर को लेके जा रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियों ने ड्राइवर अलाउंस खत्म कर दिया सभी ट्रिप में। इससे क्या होता है कि ड्राइवर का खाना पीना सब बंद हो चुका है, इस तरीके से ड्राइवर अलाउंस नहीं मिलते हैं, कंपनियां ड्राइवर के नाम पर वसूल लेता है, जैसे मेक माई ट्रिप है, गोजू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कस्टमर को, ड्राइवर को नहीं मिलता है। इससे ड्राइवर अपने जेब से खर्च करे, खाए, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं, चाहे ड्राइवर भूखा सो जाए, रोड पे जाए, उनको सिर्फ अपना कस्टमर को बनाने से मतलब है। तो सभी ड्राइवर समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, और कस्टमर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके का सोचिए थोड़ा ड्राइवर के बारे में आप लोग भी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां तो सोच नहीं चाहिए, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां सोचेगी नहीं, तो भाई सीधी सी बात है ड्राइवर मरेगा ही, यही ऑप्शन है, और उसके अलावा तो है नहीं, जाए या ना जाए, ठीक है। और एक ड्राइवर समाज ऐसा है, आपको पता है ड्राइवर है तो आपकी गाड़ी पे ये घूम रही है, नहीं है तो नहीं घूमेगी। ये मेरा निजी विचार था, मेरा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, मैंने आप लोगों के सामने रखा है, क्योंकि देखिए कहते हैं ना इतना ही झुकना चाहिए कि जहां पीठ के पैदान ना बने। मैंने अपनी बात रखी है आप लोग के सामने, अगर ये बात अच्छी लगी गई तो जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो मेक माई ट्रिप है, इतनी बड़ी होटल, गाड़ी मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, ये सब के जो एक प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर है मेक माई ट्रिप है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है मेरा कि आप इस बात को अपने सिस्टम में और रखिए, ताकि ड्राइवर नहीं रहेगा तो आपके पास कस्टमर कहाँ से आएगा, समझिए इस बात को भाई। ड्राइवर है तभी तो आप सर्विस दे रहे हैं, नहीं रहेगा तो कहाँ से आप, ना तो सर्विस गाड़ी, ना तो गाड़ी जा पाएगी आपके पास, ना ड्राइवर आपके पास पहुंच पाएगा, तो आप कहाँ से कस्टमर को सर्विस दे पाएंगे, ठीक है। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा सा होता है ड्राइवर समाज में नेगेटिविटी, तो इसको हम सभी को मिलकर हल करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं बिजनेस आपका अच्छा चलेगा और हमारा भी हिसाब किताब ठीक रहेगा हम लोगों को ड्राइवर समाज में। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना निजी विचार शेयर किया आप लोग को, आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।